अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ, जिसको हम आमतौर पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को, जो एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है बिटवीन गल्फ स्टेट्स के दरमियान। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को गल्फ क्यों कहते हैं, और इसकी फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर्स, मेंबर स्टेट्स और इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिस्कस करेंगे, और मेन ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस करेंगे कि इसके कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स है जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इस वक्त उस पर काम कर रही है, यानी इसके मेन हेम्स, मेन चार्टर क्या है। तो इसके वाले से हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को आज डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है बिटवीन गल्फ स्टेट्स, इसको गल्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जितने भी इस काउंसिल के जो मेंबर स्टेट्स है, ये तमाम के तमाम स्टेट जो है वो गल्फ जो खलीज है उसके इर्द गिर्द वाक़ है। तो इस वजह से इसको हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहते हैं। ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फर्स्ट टाइम 25 मई 1981 को बनी थी अबू धाबी में, यानी यूनाइटेड अरब इमारत की कैपिटल में इसकी फर्स्ट टाइम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाई गई। डियर फ्रेंड्स, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का फर्स्ट टाइम जो सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर रखा, और अभी भी इसका जो हेडक्वार्टर है वो रियाद यानी सऊदी अरब में मौजूद है। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। और डियर फ्रेंड्स, इसके जो टोटल मेंबर स्टेट्स है, शुरू ही से इसके 6 मेंबर स्टेट्स हैं, जिनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब इमारात, यानी ये 6 खलीज ममालिक जो है अभी इस वक्त गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा है। और डियर फ्रेंड, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक ट्रेड ब्लॉक है, यानी इन 6 स्टेट्स के दरमियान कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह तजारत को प्रमोट करेंगे। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबिक है, यानी इन तमाम स्टेट जितने भी, क्योंकि अरब स्टेट से इनमें अरबी बोली जाती है, इस वजह से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वो उसके ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसकी मीटिंग्स में गल्फ कोऑपरेशन की जो सालाना मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग, उसमें भी अरबी एक वर्किंग और ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई है। डियर फ्रेंड्स, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पज़ ये है कि किस तरह एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, इंटर कनेक्शन अमंग मेंबर स्टेट्स इन ऑल फील्ड्स, कि तमाम फील्ड्स में हमने एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है, एक दूसरे के साथ किस तरह कोऑर्डिनेशन करना है, क्योंकि ये एक ट्रेड ब्लॉक है। उस ट्रेड ब्लॉक में ये तमाम जो 6 मेंबर स्टेट्स हैं इसकी, वो एक दूसरे के साथ किस तरह रीजनल ट्रेड को प्रमोट करेंगे, साथ साथ इकोनॉमी को किस तरह प्रमोट करेंगे, साथ साथ पीस के वाले से भी ये काम करेंगे। यानी ये जो 6 स्टेट है, यानी खलीज ममालिक है, जिसको हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहते हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब इमारात, इसमें सबसे ज़्यादा जो अमीर तरीन मुल्क इसमें कुवैत है, जिसके GDP सबसे ज़्यादा है, मुस्लिम स्टेट में सबसे ज़्यादा GDP जो इस वक्त है कुवैत का है। यानी ये छोटे छोटे से स्टेट है, इनके दरमियान एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाई, यानी ये एक दूसरे के साथ किस तरह ट्रेड को प्रमोट करेंगे, किस तरह रीजनल फीस को एक दूसरे के साथ ये कोऑर्डिनेशन करेंगे, टाउन करेंगे दूसरे के साथ। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि गल्फ कोऑपरेशन में एक दूसरे के साथ स्टेबल और फेसफुल कोऑपरेशन रखना है एक दूसरे के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो 6 मेंबर स्टेट्स है, तमाम के तमाम मिनार्चीज़ है, इन मिनार्चीज़ है, और इन में से 3 जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मिनार्चीज़ है। मिनार्चीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल मिनार्चीज़ उन स्टेट्स को कहा जाता है जिनमें मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, यानी वहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट्स हो, यानी या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स हो, जिसको हम लोग पार्लियामेंट मिनार्ची भी कहते हैं या डेमोक्रेटिक मिनार्ची भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें 3 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कतर, कुवैत, बहरीन, यानी ये 3 स्टेट जो है उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल मिनार्ची मौजूद है, यानी वहाँ पर जो इनके इन स्टेट्स कतर, कुवैत, बहरीन के जो हेड है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स होते हैं, यानी कानूनी तौर पर ये इलेक्ट होते हैं, यानी डेमोक्रेसी के तहत ये इलेक्ट होते हैं या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स होते हैं। 2 एब्सोल्यूट मिनार्चीज़ होते हैं। एब्सोल्यूट मिनार्चीज़ उन स्टेट्स को कहा जाता है जहाँ पर किंग्स होते हैं, मिसाल उनके तमाम के अख्तियारात, पावर जो है वो किंग के साथ हो, यानी इनमें से 2 स्टेट्स सऊदी अरबिया और ओमान, इनमें किंग्स है, यानी इसको एब्सोल्यूट मिनार्चीज़ कहते हैं इन स्टेट्स को। और 1 जो है फेडरल मिनार्चीज़ फिर उन स्टेट्स को कहते हैं जिनमें छोटे छोटे स्टेट्स हो, और जैसे कि यूनाइटेड अरब इमारत, यानी ये 6 स्टेट में से 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मिनार्चीज़ है, 2 एब्सोल्यूट मिनार्चीज़ है, और 1 जो है लास्ट
यूनाइटेड अरब इमारत और फेडरल मिनार्चीज़। फेडरल मिनार्चीज़ उन स्टेट्स को उसको कहते हैं फेडरल मिनार्चीज़ जिसमें छोटे छोटे स्टेट्स हो, जैसे कि यूनाइटेड अरब इमारत, यानी वहाँ पर फेडरल निज़ाम है, तमाम स्टेट्स को एक फेडरली उसको कंट्रोल करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में जो 6 स्टेट्स है, तमाम की तमाम मिनार्चीज़ है, जिनमें 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मिनार्चीज़ है, 2 एब्सोल्यूट मिनार्चीज़ है, 1 फेडरल मिनार्चीज़ है। तो डियर फ्रेंड्स, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के ट्रेड रीजनल के साथ साथ, यानी ट्रेड ब्लॉक के साथ साथ, उन्होंने एक पेनिनसुला शील्ड फोर्स भी बनाया, जिसको नाम दिया मिलिट्री आर्म फोर्स ऑफ द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, क्योंकि इन 6 स्टेट जो इनके ज़्यादातर इनके अपने फोर्स अपने आर्मी नहीं है, अपने एक प्रॉपर इनका अपना सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने कंबाइन मिलकर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने एक फोर्स तैयार किया, एक मिलिट्री तैयार किया, जिसको पेनिनसुला शील्ड फोर्स का नाम दिया 1984 में, यानी 3 ही साल बाद उन्होंने एक नया फोर्स तैयार किया जिसको नाम दिया पेनिनसुला शील्ड फोर्स 1984 में। उन्होंने गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जो मेंबर 6 मेंबर स्टेट्स हैं, उन्होंने ये फोर्स तैयार किया, और इसका मकसद ये है कि ये गल्फ कॉपरेशन के जितने भी स्टेट्स हैं इनकी प्रोटेक्ट करे दूसरे स्टेट से, मिसाल ईरान से। अभी ज़्यादातर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जितने भी कंफ्लिक्ट्स होते हैं, तो इस वजह से उन्होंने इस तरह फोर्स तैयार किया, और साथ साथ इराक के भी होते हैं, इराक और कुवैत के, जो पिछले हम देख ले 1990s में जब सदाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया उस वक्त भी, तो ये इस वजह से उन्होंने ये बनाया 1984 में कि अरब जो खलीज ममालिक के कैसे दूसरे स्टेट से इसकी प्रोटेक्ट करें, यानी इसकी सवर्निटी, यानी इसकी आज़ादी की, किस तरह एक दूसरे के साथ इसकी आज़ादी को प्रोटेक्ट करें और दूसरे स्टेट से, तो इस वजह से इन्होंने पेनिनसुला शील्ड फोर्स बनाई 1984 में। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर आज इतना ही था इसके हवाले से, गल्फ कॉपरेशन के हवाले से, जिसका पूरा नाम है कॉपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ, जिसको हम गल्फ कॉपरेशन भी कहते हैं, और इसका एब्रिविएशन है GCC, और अभी भी ये एक मौजूद है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल इन 6 मेंबर स्टेट्स के दरमियान, जो ये एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, रीजनल ट्रेड के हवाले से, पीस के हवाले से, इकोनॉमिक के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। बहरीन है, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब इमारत, ये छोटे छोटे 6 जो अरब स्टेट्स हैं इनके दरमियान ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल बनाई 1981 में, और अभी तक ये कॉपरेशन जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल अभी मौजूद है, और ये पुल इस फंक्शन में, और मज़ीद इनका ये ऑब्जेक्टिव है कि हम किस तरह गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को मज़ीद पावरफुल किस तरह बनाते हैं, किस तरह हम एक दूसरे के साथ मजबूत ट्रेड बना सकते हैं। तो आज हमारा लेक्चर इतना ही था इसके हवाले से, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के हवाले से जो हमने बयान किया, और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स बयान किए, और इसकी ये रीज़न भी बताया कि गल्फ कॉपरेशन को काउंसिल को हम गल्फ क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टेट्स गल्फ पर वाक़ खलीज ममालिक हैं, इस पर वाक़ हैं, और इसी के ज़रिए ये ट्रेड करते एक दूसरे के साथ, ऊपर ही गल्फ स्टेट जो है, फिर गल्फ से लेकर इंडियन ओशन से, और इंडियन ओशन से फिर अटलांटिक ओशन से, इस तरह पूरी दुनिया के साथ ये गल्फ स्टेट जो है एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। तो आज लेक्चर इतना था इसके हवाले से, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, वसलाम।